हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुजय भट्ट। आज मैं आपको दूसरी कक्षा का दूसरा पार्ट काकू का नया स्कूल इसके बारे में पढ़ाऊंगा। अब देखो, काकू जिस स्कूल में जाता था वहां वह केवल खेलता था। कभी कभी पढ़ाने वाली दीदी कविताएं भी सिखाती थी। काकू ने ढेर सारी कविताएं याद की हुई है। माँ ने उसे बताया, काकू कल हम तुम्हारे नए स्कूल चलेंगे। काकू मन ही मन सोचने लगा, कैसा होगा मेरा नया स्कूल, यानी कि तुम्हारे जैसा ही एक छोटा सा बच्चा है। वो क्या करता है, पहले दीदी के यहाँ कविताएं सीखने के लिए जाता था। बाद में उसकी माँ कहती है कि कल हम क्या करेंगे, तुम्हारे नए स्कूल जाएंगे। माँ ने ये कहते ही काकू सोचने लगा कि कैसा होगा मेरा नया स्कूल। अगले दिन काकू अपनी माँ के साथ नए स्कूल गया। काकू अगले दिन ही अपने माँ के साथ स्कूल गया, मगर यहाँ क्या, स्कूल का फाटक मजबूत लोहे का नहीं बल्कि दो ऊंचे पेड़ थे जिसकी डालियों पर सुंदर फूल झूल रहे थे। अब काकू क्या देखता है, स्कूल का फाटक, फाटक यानी गेट, देखता है कि ये गेट लोहे का नहीं बल्कि दो बड़े पेड़ है और क्या है, इसके ऊपर सुंदर फूल झूल रहे हैं। काकू को अपने नए स्कूल का फाटक सबसे अनोखा लगा और काकू को क्या लगता है, अपने स्कूल का फाटक यानी गेट बिल्कुल अनोखा लगता है। फाटक के पीछे एक बड़ा बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे पंछी चहचहा रहे थे। काकू ये भी देखता है कि उस फाटक के पीछे एक बगीचा था, उसमें रंगी बिरंगी पंछी चहचहा रहे थे। वहां रुक रुक कर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। यानी क्या होता है, काकू वहां रुक जाता है और एक पीली चिड़िया का घोंसला देखने लगता है। उस घोंसले का आकार बोतल जैसा होता है। फिर वहां तोतों की टें-टें-टें सुनने लगा। अब काकू क्या करता है, उस तोते की टें-टें-टें सुनने लगता है। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी, काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। अब माँ काकू को बुलाती है और कहती है, काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। काकू अपना नया स्कूल देखकर हैरान रह गया, यानी कि काकू आश्चर्यचकित रह गया कि ये स्कूल मेरा है। उसके नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। यानी कि काकू देखने लगता है कि उसका स्कूल ईंट और पत्थर से नहीं बना है बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। यानी कि रेलगाड़ी, आपने तो रेलगाड़ी देखी होगी, मैंने यहाँ पर दिखाइए, देखो चित्र बनाया उसका। उसे
अपना नया स्कूल बड़ा निराला लगा। यानी कि काकू ने ऐसा स्कूल कहीं पर भी नहीं देखा था, इसलिए वो क्या हो जाता है, निराला देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में उसके नए स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी। यानी जो नया स्कूल था रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में, इस स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर काकू को अंदर बुलाया। उसने मुस्कुराकर, यानी बड़ी मैडम ने मुस्कुराकर काकू को अंदर बुलाया। काकू को लगा अब उससे ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे। काकू को लगता है कि अब बड़ी मैडम ने मुझे बुलाया है, अब मुझसे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। मगर नहीं, बड़ी मैडम ने कहा, काकू तुम अपने बारे में जो कुछ बताना चाहते हो बताओ। बड़ी मैडम ने कहा, काकू तुम्हें अपने बारे में जो कुछ बताना हो तुम बता सकते हो। काकू पहले तो झिझका, यानी कि थोड़ा सा शर्माया। फिर उसने बड़ी मैडम को ढेर सारी बातें बताई। देर तक काकू की बातें सुनने के बाद बड़ी मैडम काकू को उसकी कक्षा में ले गई। कक्षा यानी क्लास। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। काकू की नई कक्षा यानी क्लास रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा, यानी कि आखिर वाला डिब्बा काकू का क्लास था। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड था। बच्चों के बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थी। खिड़कियों पर बंधी रंग बिरंगी झंडियां हवा में उड़ रही थी। देखो काकू क्या क्या देखता है कि अंदर जाते ही सामने की दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड था और खिड़कियों पर रंगी बिरंगी झंडियां हवा के कारण झूल रही थी। दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र लगे थे। काकू ने सोचा वहां भी एक सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लगाएगा। और काकू भी चाहता था कि मैं एक सुंदर सा चित्र बनाकर इस कक्षा में लगाऊंगा। कक्षा में बैठे बच्चे काकू को देखकर कहने लगे, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू। ये सब काकू को बुलाने लगे। काकू सोचने लगा, इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, क्योंकि काकू का पहला ही दिन था, इसके बावजूद इन सब बच्चों को मेरा नाम कैसे पता चला। अब देखो, तभी माँ की आवाज सुनाई दी, काकू जल्दी उठो, नए स्कूल नहीं जाना क्या। काकू ने सोचा, काश मेरा सपना सच हो जाता, यानी कि हमने इतना बड़ा पाठ पढ़ लिया है, लेकिन ये सब क्या था, काकू का सपना था। यानी कि काकू सोते सोते हुए ही अपने नए स्कूल के बारे में सपने में देख रहा था। अब हमने काकू का नया स्कूल इस पाठ के बारे में जान लिया है। अब हम क्या करेंगे, कठिन शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। फाटक यानी मुख्य दरवाजा, निराला यानी विचित्र अनोखा, झिझकना यानी शर्माना, हैरान यानी चकित,
सवाल यानी प्रश्न, अंतिम यानी आखिरी, सबके बाद में। आज हमने काकू का नया स्कूल पाठ के बारे में भी जान लिया है और कठिन शब्दार्थ के बारे में ही जान लिया है। धन्यवाद।